केजीएफ चैप्टर 2 की फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। अर्ली एस्टिमेट्स आ गए हैं, कितना है इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, कुछ कलेक्शंस बड़े बड़े ट्रेड एक्सपोर्ट का भी आया है, वो भी हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते सेकंड डे के बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। सेकंड डे का बुकिंग रिपोर्ट्स आ गया है, कितना अब तक का बुकिंग हो गया है सेकंड डे, उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले चलता हूं। दोस्तों सेकंड डे इस फिल्म में कनाडा में अब तक 8.10 करोड़ की बुकिंग हो गई है, हिंदी में 20 करोड़, मलयालम में 1.10 करोड़, तेलुगु में 8.40 करोड़, तमिल में 3.60 करोड़। टोटल सेकंड डे की जो बुकिंग है 41.20 करोड़ की ग्रॉस। फर्स्ट डे की कलेक्शंस की बात कर ली जाए तो मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, रोहित जसपाल का कहना है कि हिंदी में ये फिल्म आराम से जो है 51 करोड़ प्लस की कलेक्शंस कर लेगी, और साथ ही एक और बड़े क्रिटिक्स है उनका कहना है कि ये फिल्म 300 करोड़ पार कर जाएगी। अब बात करते हैं पहले दिन की रिपोर्ट्स, अर्ली एस्टिमेट्स कितने आ रहे हैं। तो हिंदी में इस फिल्म की जो अर्ली एस्टिमेट्स है 55 से 56 करोड़, ग्रॉस कलेक्शंस जो है 65 करोड़ का रहा है, कनाडा में 36 करोड़, तमिल में 12 करोड़, तेलुगु में 35 करोड़, मलयालम में 6 से 7 करोड़। टोटल फिल्म की नेट कलेक्शन है 144 से 146 करोड़ के आसपास होने वाली है, जो कि एक बड़ी रिकॉर्ड है, जो कि RRR का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा इंडिया का कलेक्शन। अगर इस फिल्म की अगर ग्रॉस कलेक्शंस की बात कर ली जाए इंडिया की, तो 155 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शंस बताई जा रही है कि हो सकती है। टोटल अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात कर ली जाए तो 180 से 190 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आ रही है। दोस्तों ये एक अर्ली एस्टिमेट है, इसमें थोड़ा कम इसमें थोड़ा ज्यादा हो सकता है। दोस्तों बता दें कि 140 से 145 करोड़ की इंडिया की कलेक्शंस कंफर्म है। के शो का है 5 बजे का, अब देख सकते हैं अंदर में भी, सिनेमा हॉल के अंदर में भी लाइन लगा हुआ है और बाहर में लोग वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें एंट्री मिले कि हम अंदर जाके फिल्म देख सके। ये साउथ इंडिया से है, कोची के आसपास का ये सिनेमा घर है जहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं मॉर्निंग के पहर में। तो मॉर्निंग में भी इसकी ऑडियंस ऑक्युपेंसी बहुत शानदार है, आज की ऑडियंस ऑक्युपेंसी दूसरे दिन कितना चल रहा है और दोस्तों कितनी बुकिंग हो गई है सेकंड डे, वो भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूं। दोस्तों हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं एडवांस बुकिंग जो है सेकंड डे का टोटल 44.20 करोड़ का कर रखा है, वहीं हिंदी में इस फिल्म में 24 करोड़ की बुकिंग जो है पहले से ही कर रखा है। तो बहुत अच्छी बुकिंग है इस फिल्म का। अगर बात कर ली जाए इसकी बुक माई शो पर किस तरीके का रिपोर्ट है तो देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, बुक माई शो का जो रिपोर्ट है आप टोटल फिलिंग फास्ट है, फुल है, फैंसी रिपोर्ट चल रहा है। दोस्तों देख सकते हैं सारे सीट जो है आज के डेट में 15 तारीख के डेट में फुल है टोटल, ऐसे ही सभी जगह से रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है। और जो फुल नहीं भी है जहां भी, वो करीबन 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद बहुत सारे जगहों पे टिकट नहीं मिला था, वो बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम आज ये सिनेमा देखने जाएंगे और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है फिल्म के पीछे क्योंकि फिल्म के रिव्यूज बहुत अच्छे। अभी मैंने आपको एक और रिपोर्ट दिखा देता हूँ, ये जस्ट मेरे पास अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मेरे को मिला है। हिंदी की जो बुकिंग है वो टोटल 24 करोड़ है, 20 करोड़ नहीं 24 करोड़ है सेकंड डे का, ठीक है। और देख सकते हैं कितना कितना परसेंटेज जो है किस किस शहर में जो है बुकिंग हो गया, ठीक है। तो आप एक एक करके देख लीजिए इतना इतना परसेंटेज जो है आपके शहर में बुकिंग फुल चल रहा है। अगर वहीं अगर ऑक्युपेंसी रिपोर्ट की बात कर लेंगे तो मॉर्निंग की ऑक्युपेंसी रिपोर्ट 70 से 80% के आसपास देखा गया है, वहीं अभी की ऑक्युपेंसी रिपोर्ट जो है 80% के आसपास देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इवनिंग नाइट की ऑक्युपेंसी रिपोर्ट 95% के आसपास तक देखी जा सकती है क्योंकि बुकिंग रिपोर्ट्स इस तरीके की दिख रही है और लोगों का झुकाव फिल्म को लेकर इस तरीके का दिख रहा है जिस तरीके का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी की ऑक्युपेंसी रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो 80% के आसपास ऑक्युपेंसी रिपोर्ट देखी जा रही है और आज ही जो है शानदार कलेक्शन आने का उम्मीद है। We'll be right back.